शहर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पराग डेयरी चौकी के चौकी इंचार्ज आनंद पांडे का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वो चौकी इंचार्ज हैं जो अपने क्षेत्र की जनता से फोन पर बात करने पर गाली देकर बात करते हैं और तो और मौके पर पहुंचकर जाति सूचक गाली का भी प्रयोग करते हैं। पीड़ित शेखा सरोज ने आरोप लगाते हुए बताया कि देर रात करीब 1 बजे अपने घर के बाहर गाड़ी को देखने के लिए निकले थे कि तभी वहीं से गुजर रहे 2 सिपाहियों ने पीड़ित को पकड़ लिया और एक सिपाही ने दरोगा जी को फोन कर पीड़ित से बात कराई, लेकिन दरोगा जी ने एक ना सुनते हुए पीड़ित से गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद भी दरोगा जी का गुस्सा शांत ना हुआ तो दरोगा जी मौके पर पहुंच गए और जाति सूचक गालियों का प्रयोग किया। वहीं पीड़ित ने बताया कि वह आला अधिकारियों से गालीबाज दरोगा की शिकायत करेंगे। बात कर लीजिए, पांडे जी आए हुए हैं। नमस्ते सर। अरे सर, गाली देखने आए हुए, मंडी की तरफ आ गए थे सर। तबीयत खराब थी, तबीयत। ये कह रहे हैं सर, गाली देखने आए थे सर। तो सर गाली, भैया क्या नाम है आपका? क्या मामला है? सर मेरा मामला ये है कि मैं रात में गाड़ी देखने के लिए गया था घर से 5 कदम की दूरी पर। सर सर गाड़ी देखने के लिए जाता हूँ कि उनकी गाड़ियाँ आपसे 3 साल पहले छोटा आदमी चोरी हो चुका है और आज से 8 महीने पहले वैन का ओमनी वैन का पहिया चोरी हो चुका है, जिससे कि प्रशासन या समाता नहीं है वहाँ जिसका। तो इसलिए खुद स्वयं जाना पड़ता है, खुद की सेवा कर, मतलब खुद की मांग, जान की मांग की सेवा करनी पड़ती है। तो सर सर मैं कल मैं रात में गया, रात में 1 बजे, तो मैंने कहा कि गाड़ी जाके थे। तो जैसे मैं गाड़ी देखने गया, वहाँ से 2 अंकुश वाले गए थे, जिसमें कि अंकुश पवार थे और एक और जैसे भाई, उनका नाम नहीं जानता मैं। तो सर वो लोग आते आते मुझसे पूछते यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं तो गाड़ी देखने आ रहा हूँ। तो कहते हैं कि रात में गाड़ी देखने आया। तो मैंने कहा कि रात में तो गाड़ी देखी जाती है, क्योंकि मैं तो पीड़ित हूँ, क्योंकि आप लोग तो पता नहीं, क्योंकि मेरी एफ आई आर भी छोटा हाथी की दर्ज है वहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे बदलता कि बहस की, तो उन्होंने आनंद कुमार पांडे चौकी चौकी इंचार्ज शुरू कर दिया फोन हरा डेली। तो वो आए आते आते कहते हैं कि यहाँ पर तू क्या कर रहा है, मतलब माँ की गाली थी। फिर उसके बाद कहते हैं सारे कहने में मैं भूल दूँगा। तो अब अदरता की जाते सूचे मुझे गाली थी, गाली देने के बाद मैंने उनसे कहा सर मैं तो सिर्फ गाड़ी देखने आया हूँ। तो सर उस समय मैंने अपने भैया को मिलाया था फोन की ये बात आपका ली है। तो अनुज पर पांडे जी ने ध्यान नहीं दिया कि कॉल चल रही है, तो उसमें ही इनकी रिकॉर्डिंग हुई। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है सर मैं जा रहा था, तो गाली देखने को भगा।